ये कहानी 14 साल की एक नतासा लड़की के ऊपर आधारित है, जिसे टपा टप करने का इतना ज्यादा शौक होता है कि वो अपने भाई के साथ ही टपा टप करने की कोशिश करती है। और वो अपने भाई से कहती है कि मैं 14 साल की उम्र से करीबन 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ टपा टप कर चुकी हूँ। अब नतासा की ये घपा घप वाली गिनती कहाँ तक जारी रहती है, वो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है नतासा, जो कि 2015 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 16 साल के मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था और मार्क अपने एक फ्रेंड को पसंद करता था। और तभी उन दोनों के बीच में चटम चटाई कार्यक्रम प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वो लड़की मार्क को बीच में ही थमने को कहती है और बेचारा मार्क वहाँ से मुंह बनाकर वापस चला आता है। और घर आने के बाद मार्क अपनी लैपटॉप को ओपन करता है और घपा घप वाली चीजों को देखते हुए हिलाकर सो जाता है। उसके अगले ही दिन मार्क की मॉम उसको जगाने के लिए आती है और उसकी मॉम मार्क से बोलती है कि आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं और उसके साथ जीना भी आएगी, जिस पर मार्क अपनी मॉम से पूछता है कि ये जीना कौन है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि वो मॉस्को से आने वाली है। उसके बाद मार्क के अंकल अपने वाइफ जीना को अपने साथ लेकर के मार्क के घर पर आते हैं और उन दोनों के बीच में हाल ही में जान पहचान हुई थी। जब जीना सबको खाना परोस रही थी तब हमारे मार्क भाई की नजरें उनके संतरों पर जाती है। जीना का ड्रेसिंग दूसरों के मुताबिक काफी अलग था, इसलिए मार्क उसके ड्रेसिंग के बारे में सोच रहा था, जिस पर मार्क की मॉम उससे बोलती है कि शायद मॉस्को का पहनावा हम लोगों से काफी अलग है और हम लोगों को किसी के ड्रेसिंग सेंस से उसे जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीना का ऑलरेडी पहले भी एक शादी हो रखा है और जीना का पहले एक 14 साल की लड़की भी थी जिसका नाम नतासा था। और जीना अपनी बेटी नतासा को मॉस्को लाने के लिए जाती है और कुछ दिनों के बाद सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुँच कर दोनों माँ बेटी का वेलकम करते हैं, जहाँ मार्क पहली बार नतासा को देखता है। और उसके बाद मार्क के अंकल और जीना की सभी की रजामंदी की वजह से दोनों की शादी हो जाती है। सभी लोग पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मार्क बस नतासा को ही देखता रहता है। उसके बाद मार्क की मॉम मार्क के पास आकर के बोलती है कि नतासा यहाँ पर नई आई है तो तुम उसे अपना घर और उसका कमरा दिखाओ। उसके बाद मार्क नतासा को उसके रूम दिखाने के लिए जाता है और अंत में मार्क नतासा को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद नतासा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो। और यहाँ पर मार्क उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, जिसके बाद नतासा मार्क से पूछती है कि क्या तुमने आज तक किसी भी लड़की के साथ धक्का मुंद किया है, जिसे सुनकर मार्क पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिस पर मार्क नतासा से पूछता है कि तुम 14 साल की उम्र में धक्का मुंद की बातें कैसे कर सकती हो और क्या तुम्हें ऐसी बातें करने में जरा से भी शर्म नहीं आती। जिस पर नतासा साफ साफ बोलती है नहीं और कहती है कि मैं 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों के साथ टपा टप कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरी गुफाओं में सर्जरी स्ट्राइक भी कर सकते हो। जिस पर मार्क बोलता है कि मेरे अंकल की तुम्हारी मॉम के साथ शादी हुई है और इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों एक भाई बहन हुए। जिस पर नतासा बोलती है कि मैं अपनी मॉम से काफी नफरत करती हूँ और वो एक नंबर की घटिया औरत है और इससे पहले भी मेरी मॉम कई लोगों के साथ धक्का पेल कर चुकी है और कई बार तो मैंने अपनी मॉम को रंगे हाथों भी पकड़ा है। और यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क एक कॉल सेंटर पर काम करता है और इसलिए वो अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वहाँ से वापस घर आने के बाद मार्क की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें नतासा का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो दूसरे शहर से आई है और उसका यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन मार्क अंदर ही अंदर ये समझ पा रहा था कि नतासा कैसी लड़की है। और उसके अगले दिन मार्क नतासा के घर पर जाता है, जहाँ नतासा की माँ मार्क को समझाने लगती है कि नतासा अभी एक नादान लड़की है और वो अभी बस 14 साल की है और इसलिए तुम उसकी बातों को बुरा मत मानना। उसके बाद नतासा की मॉम नतासा को बुलाती है और वो गुस्से में आकर बाहर चली जाती है। तब मार्क भी नतासा के पीछे पीछे जाता है और वो नतासा से उसके गुस्से की वजह पूछता है, जिस पर वो उससे बोलती है कि मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और उसने मुझे वहाँ से दूसरे कंट्री में लाकर मेरे लाइफ को और भी ज्यादा बोरिंग कर दी। जिसके बाद नतासा को मार्क अपने फ्रेंड रूफस के पास ले जाता है और उससे मिलने के बाद नतासा की थिंकिंग बदल जाती है और वो हर समय रूफस के बारे में मार्क से पूछते रहती है, जिसमें मार्क उससे बताता है कि रूफस यहाँ पर अकेला है और हाल ही में उसके मम्मी पापा का डिवोर्स भी हो गया है और वो दोनों अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कनाडा चले गए हैं। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और उसके बाद मार्क नतासा को उसके घर पर छोड़ देता है, जिस पर नतासा मार्क से कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। और अगले दिन मार्क अपनी पढ़ाई कर रहा था और उससे मिलने के लिए नतासा उसके घर पर आ जाती है, जहाँ वो दोनों बैठकर बिना मतलब के बकचोदी के फार्म भरने लगते हैं और साइकिल लेकर दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नतासा मार्क को देखती है कि वो अपने दोस्तों को गांजा बेच रहा है और उन लोगों को देखने के बाद उसे भी गांजा फूकने का मन करने लगता है। और इसलिए नतासा अगले दिन उसके घर पर जल्दी जाती है और मार्क गांजा को एक पेपर में फोल्ड करके उसे फूकने लगता है और उसके बाद मार्क उसे भी फूकने के लिए देता है।
और तभी नताशा मार्क से कहती कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ, जिस पर मार्क भी उसे हाँ कर देता है। और जैसे ही वो लैपटॉप ओपन करती है तो उसे घोड़े पोजीशन में धक्का मुंद वाली वीडियो दिखती है, क्योंकि इससे पहले जब मार्क टप टप वाली वीडियो देखा था तब वो उसे बंद करना भूल गया था। और उसे देखने के बाद नताशा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मार्क मेरे काम का लड़का है। उसके बाद नताशा उसके लैपटॉप में अपने प्रोफाइल को खोल करके उसे वही वाली फोटो दिखाती है, जिसके बाद मार्क का सांप फनफनाने लगता है और वो बाहर निकलने के लिए तड़पने लगता है। जिसके बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ टपा टप करना है, जिस पर मार्क उस कंडीशन में उसे मना नहीं कर पाता और मार्क उसे हर एंगल में 2 से 20 तक का पहाड़ा सिखाने लगता है। जिसके बाद नताशा और मार्क बहुत ही ज्यादा क्लोज आने लगते हैं और वो दोनों अपने दिल की सारी बातों को एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। और उसके अगले दिन से ही डेली वो दोनों प्रत्येक दिन टपा टप कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन मार्क यहाँ पर नताशा को लाइक करने लगा था। और उसके कुछ दिन के बाद नताशा की माँ और मार्क के अंकल एक साथ घूमने के लिए जाते हैं, जिसके कारण से नताशा को मार्क के घर पर रहना पड़ता है। और वो दोनों रात को चैटिंग में बाबू सुना करते करते नताशा उसके रूम में चली जाती है, क्योंकि नताशा को दूसरे वाले रूम में नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाद नताशा मार्क को साइड में ले जाकर के बोलती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि काश मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ बनकर रह सकूं। जिस पर मार्क उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रहने की पूरी आजादी है और तुम बस मेरी हो। जिस पर नताशा मार्क से कहती है कि मेरी माँ तुम्हारे अंकल के साथ चीट कर रही है और अभी भी मेरी माँ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। मैंने इस बारे में तुम्हारे अंकल से बात करी थी और मैंने अंकल को सारा कुछ सच बता दिया था, पर तुम्हारे अंकल ने मुझ पर बिलीव नहीं किया। लेकिन मार्क भी चाहकर कुछ भी नहीं कर पाता। और अगले दिन नताशा की मॉम और मार्क के अंकल घूमकर घर वापस आ जाते हैं और उसकी मॉम नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नताशा उन्हें साफ साफ ना जाने के लिए मना कर देती है। और तब नताशा की माँ उससे कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहती हो और तुमने मार्क के साथ क्या क्या किया है। और ये सुनने के बाद नताशा अपनी माँ को मारने लगती है और यहाँ पर उसके अंकल नताशा को पकड़ लेते हैं। तब नताशा बोलती है कि डैन मुझे खुश नहीं देखना चाहती, बैन की टकी कहीं की। लेकिन मार्क के घर वाले नताशा को समझा कर उसे वहाँ से अपने घर भेज देते हैं। अगले दिन मार्क उससे मिलने के लिए नताशा के घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम से मुलाकात होती है। और यहाँ पर मार्क उससे सॉरी बोलता है और यहाँ पर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और नताशा एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और वो तुम्हारे साथ साथ बूढ़े बूढ़े अंकलों के साथ भी टपा टप कर लेती है। उसके बाद नताशा की माँ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर यहाँ पर उसी रात नताशा अपना सारा सामान पैक करके मार्क के घर पर पहुँच जाती है और वो मार्क से बोलती है कि मैं फ्लोरिडा जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। जिस पर मार्क नताशा से कुछ भी नहीं कह पाता। तब नताशा मार्क को बताती है कि मेरी माँ का तुम्हारे अंकल के साथ डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ टपा टप करी थी ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और मेरी माँ तुम्हारे अंकल को बेवकूफ ना बना पाए। उसके बाद मार्क उसे चुपचाप अपने कमरे में ले जाता है और वो दोनों सारी रात धक्का पेल के गेम खेलते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही मार्क अपने सेविंग किए हुए सारे पैसे नताशा को दे देता है ताकि उसे फ्लोरिडा जाने में कोई भी समस्या ना हो। और नताशा अपना सारा सामान वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद घर पर मार्क के अंकल की शादी के बारे में बात चल रही थी, तभी उसके बीच में डाइवोर्स की समस्या आ जाती है, जिस पर मार्क अपने मन ही मन सोचता है कि इन लोगों को सारी सच्चाई के बारे में पता नहीं है और मार्क भी उन लोगों के बीच में नहीं बोलता। और वहाँ से वो साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मार्क का फ्रेंड रोफर उसे कॉल करता है, लेकिन मार्क उसका कॉल रिसीव नहीं करता। और कुछ दिनों के बाद मार्क रोफर के घर जाता है और वो वहाँ पर नताशा को दिखता है। तब रोफर मार्क को बताता है कि मैंने उस दिन कॉल तुम्हें इसी के बारे में बताने के लिए किया था कि यहाँ पर नताशा मेरे साथ रहने लगी है, पर तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। और तभी वहाँ पर नताशा आती है और वो गुस्से में मार्क को देखने लगती है, जिसे देखने के बाद मार्क भी ये बात अच्छे से समझ जाता है कि ये प्यार वार सब धोखा है। और उसके बाद मार्क भी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। और घर आने के बाद वो मन ही मन सोचता है कि नताशा ने मुझे धोखा दिया। और उसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे ऐसा ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।